एक मेवा से हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि खैर आपको तो नहीं पता मेवात कहाँ है, मैं बताता हूँ। मेवात मेवात है हरियाणा में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में एक बॉर्डर है, उसमें मेवात पड़ता है। और आज मैं विनर हूँ, तो जो मेरे मेवात के लोग हैं आज वहाँ पर एक ऐसा ऐसा रंग एक छाया हुआ है जैसे कोई त्यौहार मनता है, ऐसा आज हमारे मेवात में एक त्यौहार मन रहा है मेरी जीत का। और ये सारा क्रेडिट हमारी जनता को जाता है, आप सभी को जाता है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंडिया आइडल 10 का एक विनर हूँ, एक हिस्सा हूँ, एक इतिहास में एक छोटा सा नाम मेरा भी जुड़ गया है विनर में। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। तो सब देखा जाए तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ट्रेडिशनली सिंगिंग करती थी, वहाँ से क्या कुछ फैमिली का रिस्पांस था, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट आया फैमिली से? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में सभी गाना बजाना करते हैं, सब मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी गाती बहुत अच्छा, मेरे पापा भी गाते, दादाजी गाते थे, भाई चाचा ताऊ सब गाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इंडियन आइडल में आने का, कि उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाओ गाने के लिए बेटा, बाकी हम घर का देख लेंगे। और मैं अपने परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया। मेरे खानदान में सभी गाना बजाना है, तो उन्होंने मेरी फीलिंग समझी कि तुम कुछ कर सकते हो बेटा, आप कुछ कर सकते हो, अब जाओ आगे जाओ। तो मैं फैमिली का भी बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस इंडियन आइडल के मंच पर आने का एक मौका दिया। अगर जर्नी की बात करें, काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी रहा आपका इंडियन आइडल से भी पहले, तो आज किस तरह देखते हैं आप अपने आप को, आप अपने अंदर किस तरह का इन्फ्लुएंस देखते हैं, किस तरह का बदलाव देखते हैं? मैं सच्ची बात ये है कि मैं सिर्फ जैसे मैं आज से 7 महीने पहले था, मैं वैसा ही हूँ। सिर्फ जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी सोच है वो आज भी वही है जो पहले थी। मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ बदलाव ये है कि मैं सिर्फ सिंगिंग में थोड़ा बहुत बदलाव लाऊं, बाकी मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा ही है और आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ये सब मैं हमेशा कहता हूं और मैं ज़िंदगी भर कहता रहूँगा कि मेरी जो जनता है ये सब उनकी बदौलत से है। सिर्फ इन्होंने मुझे इंडियन आइडल 10 का विनर बनाया है, इन्होंने मुझे प्यार दिया है, और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करूँगा कि इनके जो इन्होंने मुझे प्यार दिया मैं उसको कायम रखूँ। अगर सिंगर्स की बात करें, किस प्लेबैक सिंगर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उनके साथ कुछ करना चाहते हैं? फॉलो तो मैं नुसरत साहब करता हूँ जो इस दुनिया में है नहीं, और काम में जो बॉलीवुड के जो किंग है, जो इंडस्ट्रीज में जो जिनके गाने पूरी दुनिया में बजते हैं, वो है ए आर रहमान सर। उनके साथ मैं काम करना पसंद करूँगा इंशाल्लाह, और उनके साथ बहुत जल्द काम कर भी रहा हूँ इंशाल्लाह। उन्होंने मुझे बहुत जल्द बुलाया भी अपने पास में, तो आप लोग मुझे ज़रूर देखेंगे। ये जितने मेरे फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मुझे ए आर रहमान सर के साथ भी काम करने का एक मौका मिलेगा। इंडियन आइडल के सेट पे काफ़ी बॉलीवुड के गेस्ट भी आए हैं, काफ़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया हर एपिसोड में आपको, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला है उन एक्टर से, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला जो आपके लिए बहुत खास हो, जो आपके लिए यादगार हो? यादगार एक्चुअली मैं तहे दिल से मैं झुककर सलाम करना चाहूँगा इंडियन आइडल को कि उन्होंने मुझे एक ऐसे इतना लोग मुझे जानने लगे इस मंच से, इंडियन आइडल के मंच से मुझे इतनी दुनिया जानती है कि जितने भी लोग आए सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और जैसे कि हमारी कुछ हमारे जो चाह सबको पता है, मगर मैं फिर भी अपनी जो जनता उनको बताना चाहूँगा कि मैंने एक बॉलीवुड में भी गाना गा दिया है। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि मैंने एक मूवी आई थी सुई धागा वरुण धवन सर की, तो उसमें एक सॉन्ग है सब बढ़िया है सब बढ़िया है, तो सुखविंदर सिंह जी के साथ में मैंने वो सॉन्ग गाया है। और एक सीरियल आया है चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि इंडियन आइडल ने मुझे इतना कुछ करने को दे दिया। अगर की बात करें तो किसे डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी फैमिली में, कि आप कोई ऐसा खास इंसान जिसे आप डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी उपलब्धि? ये ट्रॉफी मैं सिर्फ अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत जितने दुख मैंने झेले उतने दुख मेरे माँ बाप ने मेरे साथ झेले हैं।
तो मैं ये सारी ट्रॉफी या ट्रॉफी ये जो भी मेरी सफलता की जो भी मायने हैं वो सब उनको अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। अमाउंट की बात कीजिए, अब तक की जर्नी हमने देखी, अब आगे का क्या, अब क्या कुछ होने वाला है मैं आपका? अपने लाइफ में मैं कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि जब जब मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे फैंस जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मुझे इस पद पर पहुंचा दिया, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको और भी अच्छे गाने सुनाऊं और उनको ऐसे ही प्यार देते रहूं, वो मुझे प्यार देते रहें, मैं उनको गाने सुनाता रहूं, क्योंकि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। ये लोग हैं हमारी जनता है, तो मैं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नहीं तो मैं आगे लाइफ में कुछ करना चाहूँगा, या बॉलीवुड में या कुछ आगे भी, इंशाल्लाह बहुत कुछ करूँगा, आप देखते रहना इंशाल्लाह। अगर बॉलीवुड में चांस मिले तो किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? इस एक्टर के लिए प्लेबैक सिंगिंग एक्टर पर को नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि सारे अपने आप में बहुत सारे, किसी के साथ मिल जाए ये मेरी खुश नसीबी है, किसी के साथ काम करने का मिल जाए तो मैं जहाँ मेरी किस्मत वहाँ। जैसा कि आपके कोई पसंदीदा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप हमेशा का फ्री वक्त में गुनगुनाते हो, वो कोई गाना हमने एक दो चार लाइन सुना है? चलो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ जो मैंने ऑडिशन में गाया था, वो मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा, सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रहन करूं ना ही चैन करूं तेरा सजदा। थैंक यू। सो सलमान, जो न्यू सिंगर्स है जो सिंगिंग करना चाहते हैं या इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं उन सभी से, जो भी इंडियन आइडल के मंच पर आने चाहते हैं, आप सभी से, जितने भी फैंस हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करो और आप कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी हिम्मत हारना नहीं सीखा है। तो मैं आप सभी से, जो मेरे दिल की फीलिंग, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी हिम्मत मत हारना और आप दिल से गाओ, अच्छा गाओ, मन से गाओ, क्योंकि इंशाल्लाह जो इंसान मन से गाता है वो ज़रूर कामयाबी मिलती है उनको। तो आप अच्छा करो और दिल से गाओ। थैंक यू सो मच, थैंक ऑल यू द सो बेस्ट, मच, बहुत ऑल द बहुत बेस्ट। शुक्रिया।